उनके साथ जो लिंक पे जुड़े हैं ना इसमें जोड़ लेके दिखा दूँ कौन लोग ने फोन उठा रहे हैं कंट्रोल लिंक आया हुआ है आया हुआ अरे इधर आ जाओ यार पेन भी दो राघव पेन का भेजो इधर भेजो राघव लोगों को भेजो इधर भेजो इधर भारत माता की भारत माता की भारत माता की यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं नहीं मैं आगे तुम यशको अब इसको फोल्ड करके डाल दीजिए सर इसके अंदर डालना है आप लोग आगे मत आओगे और महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर युवाओं के भविष्य को दबा करने केजरीवाल सरकार की शराब नीति इस पे आपने अपना जनमत दे रहा है। इन्होंने हजारों ठेके बोल दिए रिहायशी इलाके और मंदिर तो उसके लिए जनमत है आपने इस पे टिकट केजरीवाल सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों स्कूलों के पास शराब के ठेके खोलने का सही है ये वाला भी ये रामनवमी और गुरु पर्व शिवरात्रि पे बंद थे शराब के ठेके वो खोल दिए ऐसे 18 दिन इन्होंने पहले 21 ड्राइवर होते थे साल में वो 18 कर दिए 3 कर दिए 18 दिन एक्स्ट्रा खोल दिए तो वो ठीक है यहाँ पर खड़े हो हजारों करोड़ रुपए का घोटाले करने की शराब दी क्योंकि शराब माफिया को प्रोटेक्शन दिया उनका पेपर दिया है उसमें बहुत सारा करप्शन शराब पिलाकर सरकारी खजाने ऐसे 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 लोग हैं जो अभी इन्होंने एक 1+1 शराब की तो कई फैक्ट्रियों के लेबर वो अपनी ड्यूटी छोड़ के वहाँ शराब पी रहे हैं
पहले 250 थे, अब बढ़ा के इन्होंने 850 किए हैं और भी 3000 के आसपास इन्होंने। आपका टाइम जरूर लगा है बट दिस इज अ वैल्यूएबल सजेशन फ्रॉम योर साइड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ में राजीव चौक पर हस्ताक्षर अभियान जो दिल्ली में 950 ठेके खोलने के लिए केजरीवाल ने कहा है, उसके बारे में आपकी यस और नो की राय चाहिए अगर आप दे सके तो। प्रारंभ हो चुका है और राजीव चौक पे हो, पेन से टिक कर दीजिए बस और अपना नाम नंबर लिखिए। जैसे पहला लिखा है कि महिला सुरक्षा को खतरे में डाल और युवाओं के भविष्य को तबाह करना, क्या ये ठीक है या गलत है? ऐसे ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब के ठेके खोलना ठीक है या गलत है, दूसरा पॉइंट। तीसरा है क्या रामनवमी शिवरात्रि जयंती पर पहले बंद होते थे अब खुल रहे हैं, पहले 21 ड्राई डे थे अब 3 ड्राई डे रह गए हैं, ये ठीक है या गलत है? वो आ रहे क्या? यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन खिलाफ निकलने वाले हैं, जो जाने वाले जो बंदर भाई बहन हैं, वो सभी आ रहे हैं और अपने वैल्यूएबल सब घर आवास के मोहल्ला मंदिर मस्जिद के पास है भैया। अरे लड़की के साथ करे हो उनको पत्रक दो ना, कर दे नहीं ऐसा नहीं करा। सरकार ने तो उसके लिए आज हम एक जनमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपकी एक वैल्यूएबल सजेशन मुझे चाहिए, एक बार देना जरा वो दो फीडबैक वाला, फीडबैक वाला पत्रक देना आपका, फीडबैक वाला पत्रक। अरे फोन दीजिए एक और। अरे फीडबैक वाला पत्रक दो ना आप, एक एक ये भरा हुआ यहाँ खड़े हो भाई, फीडबैक वाले फॉर्म लेकर अध्यक्ष जी के साथ खड़े हो। इन्होंने क्या किया है आप पढ़िए, महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर युवाओं के भविष्य को तबाह करने वाली केजरीवाल सरकार की नीति ठीक है क्या? ये है ठीक क्या? नाम और फोन नंबर अगर डाल देंगे तो थोड़ा सही होगा। आपका टाइम जरूर लगा है लेकिन आपकी वैल्यूएबल सजेशन और सुझाव मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदेश लिखता हूँ बीजेपी जी, थैंक यू। नमस्कार भाई साहब।
इधर आ जाऊं थोड़ा विजुअली यहाँ अच्छा आएगा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 6 और गेट नंबर के ठीक सामने भीड़ लगी हुई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं यहां पर मौजूद हैं। एक स्टॉल लगाया गया है और स्टॉल में यहां देखिए जनमत संग्रह हो रहा है। तकरीबन 7 सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जो धार्मिक संस्थान है उसके आसपास शराब के ठेके खोले जाने चाहिए, क्या रामनवमी शिवरात्रि गुरु पर्व महावीर जयंती आदि पर ये जो है ठेके खोलना सही है, क्या ठीक है रिहायशी इलाकों के अंदर गली मोहल्लों के अंदर शराब की दुकानें खोलना ठीक है, ऐसे तकरीबन 7 सवाल दिल्ली बीजेपी लोगों से पूछ रही है। और देखिए इस 7 सवाल के जवाब में नरेश कुमार नाम के एक शख्स हैं जो कि सोनीपत से यहां पर आए हैं, किसी काम से आए हुए थे और दिल्ली के लोग भी इसमें शामिल हैं और बाकायदा सबका आंसर यहां पर नो में है। और तकरीबन कई जगहों पर कई लाख लोगों से इसी तरह का जनमत संग्रह और इसी पंपलेट के जरिए लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है नई शराब नीति के तहत जो कि दिल्ली में इस वक्त लागू है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी भी रुक नहीं रहा है, लगातार लोग शराब के लिए उमड़ पड़े हैं। इन सब के बीच ये मुहिम कितनी रंग लाएगी आगे? देखिए जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल साहब शराब की नई नीति लाए, हमने बहुत पहले रामायण में पढ़ा है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि कोई 500 स्कूल के वादा करके हजारों सरकारी ठेके खोलेगा, हजारों शराब के ठेके खोलेगा। कोई मुख्यमंत्री जो स्कूलों का वादा करता है, जो कॉलेज का वादा करता है, और वो बदले में जनता को क्या दे रहा है? हजारों ठेके। अभी जब इन्होंने पॉलिसी के अंदर एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री दे रहे थे, उस समय जो फैक्ट्रियां थी वहां मजदूर नदारद थे, क्यों 15-15 दिन से वो लाइनों में खड़े होकर ज्यादा शराब पीकर अपने घर को अपने स्वास्थ्य को तबाह कर रहे थे, क्या इसीलिए केजरीवाल सरकार को चुना? अच्छा, था कई कारोबारी भी कह रहे हैं कि पहले तो दिहाड़ी मजदूर काम करते थे लेकिन अब वो पैसे लेकर कुछ पाउच भी मिल रहा है जिसके जरिए वो शराब पी रहे हैं। वही ये दिल्ली में देश में पहली बार राजधानी के अंदर ऐसे पैकिंग में शराब मिली जिसमें कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक मिलता था या जूस मिलता था, ऐसे ड्रिंक पैकिंग में वो शराब और रम बांट रहे हैं। और इस आदेश जी जनमत संग्रह ठीक है, लोगों की राय शुमारी ठीक है, ठीक केजरीवाल जैसा करते थे वैसा ही आप मत ले रहे हैं, रेफरेंडम बना रहे हैं, लेकिन जब हाईकोर्ट में ये मामला गया हुआ था तो हाईकोर्ट ने तो पुलिस से कह दिया आप सुरक्षा दीजिए लोगों को और वैध जो लाइसेंस लेकर दुकानें खुल रही हैं उन्हें खोलने दिया जाए। देखिए उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उनको रिहायशी इलाकों में परमिशन नहीं है, उनको मंदिर और स्कूलों के पास शराब के ठेके खोलने की परमिशन नहीं है। बावजूद उन्होंने सिर्फ पैसे के लालच में अंडर द टेबल जो शराब माफिया से जो इनका गठजोड़ हुआ है उससे जो भ्रष्टाचार किया है उसके लालच में यहाँ पर दिल्ली को बर्बाद करने की तैयारी केजरीवाल ने की। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव आने वाला है अप्रैल में, दिल्ली बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है लिहाजा वो इसी मुद्दे को तूल दे रही है ताकि उन्हें कुछ फायदा मिल सके चुनाव में। देखिए मुद्दा इससे बड़ा क्या हो सकता है, जब आप लोगों की स्वास्थ्य के साथ खेलो, लोगों की भविष्य के साथ खेलो, फ्यूचर खराब करो, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है दिल्ली के लिए, जब दिल्ली को कोई पार्टी बर्बाद करने पर तुली हो और हम बचाने के लिए आ रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आखिरी सवाल, पहले दिन से ही नई शराब नीति पर आपका लगातार जारी है, कई जगह तो आप प्रतीकात्मक तौर पर सील भी करने पहुंचे, किस हद तक चले जाएंगे शराब नीति के खिलाफ? देखिए आज लगभग 10 लाख लोग दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग अपनी जनमत आज हमारे जनमत संग्रह में देंगे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से जनमत संग्रह में आज आप देखेंगे ज्यादातर लोग 99% लोग सब लोग ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली की शराब नीति खराब नीति है, बर्बाद करने वाली नीति है, इसको केजरीवाल को वापस शराब नीति पर जनमत संग्रह हो रहा है लेकिन दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव है उस पर चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है।
बोला ना, दिल्ली सरकार के द्वारा शराब की बिक्री को लेकर लाई गई नई आबकारी नीति के विरोध में आज से दिल्ली बीजेपी राजधानी में चढ़त। दिल्ली